आप देख रहे हैं न्याजी वीडियो। न्याजी वीडियो आज हर साल की तरह, जैसे कि हमने 2022 में ईदगाह का वो मंजर दिखाया था, जब तामीरी काम चल रहा था, जब ईदगाह में सफाई होता है, धुलाई होता है या कोई ऐसा काम होता है, तो सादिक इमाम न्याजी आप तक इस खबर को पहुंचाता है, आपको दिखाता है। आज यहाँ मेरे आने का मकसद ये है कि आज 2023 का जो भी ईद की नमाज इस ईदगाह में हम सब अदा करेंगे इंशाल्लाह, और ये मंजर को दिखाना चाहता हूँ कि इस बार इस ईदगाह में कौन सा नया काम हुआ है। ऐसे तो हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ अगले साल यहाँ पे मिट्टी हुआ करता था, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इसको बाकायदे ढलाई कर दिया गया है। यहाँ से वहाँ तक गेट तक आ पाएंगे, जब गेट से आप चलेंगे तो इंशाल्लाह रहमान फर्श जो है रेडी मिलेगा। मिट्टी का मामला तो यहाँ नहीं है, मैं चल रहा हूँ आगे क्योंकि यहाँ पे तामीरी काम चल रहा है। और ये देखिए ये सफ के लिए, लाइन के लिए यहाँ पे इस तरह से लाइन भी दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये यहाँ से वहाँ तक एक दायरा दे दिया गया है, एक लकीर खींच दिया गया है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि अभी से ही यहाँ पे जो कि लाइटिंग का काम, साउंड का काम यहाँ पे इस वक्त मौजूद है रिंकू खान साहब जो कि आज़ाद टेंट वाले हैं। जी क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे इस वक्त? यहाँ ईदगाह की खूबसूरती को थोड़ा सा देखने चले आए थे कि नया बना हुआ है मीनार। अच्छा अच्छा, तारीफ के लायक है। हाँ। और जिसने भी बच्चे में मदद किया है और जिसने भी कारीगर ने काम किया है वो तारीफ के लायक है, और इस कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इतना बेहतरीन काम अभी तक का किया है। लेकिन हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे तामीरी काम हो रहा है और चेंजिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये इस बार लोग हैं वाकई, आप देख सकते हैं उस दिन जिस दिन ईद होगा, ईद की नमाज काफ़ी तादाद में जब हम यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए, अदा करने के लिए, तो उस वक्त का भी मंजर में दिखाऊंगा। और मैं करीब चलता हूँ, यहाँ पे तामीरी काम जो चल रहा है, मीनार जो है यहाँ पे नया लगा हुआ है, अभी बिल्कुल चल रहा है, काम फिनिशिंग नहीं है, काम अभी जारी है। और यहाँ देख लिए यहाँ पे इस वक्त मीनार जो पहले का मीनार था उसे हटा दिया गया है और फिर एक नया मीनार रेडीमेड इस मीनार को यहाँ पे फिर से लगाया गया है इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। और इसमें अभी इस वक्त लाइटिंग का काम चल रहा है, इंशाल्लाह रहमान वो भी मैं मंजर दिखाऊंगा कि जब यहाँ से लाइट को ऑन किया जाएगा और आप अपने शहर अकबरपुर रोहतास से इस खूबसूरत हसीन मंजर को देखेंगे जो शाम का मंजर होगा। और वाकई ये कुदरत का इनाम अल्लाह ने जो हम सबको अता किया है, कैमूर के दामन में, पहाड़ी के दामन में इस तरह का और इतना खूबसूरत ईदगाह आप इस वक्त हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह रहमान सादिक इमाम न्याजी आपको बाकायदे ईद की नमाज और ईद का जो मंजर होता है, मैं कहता हूँ कि शायद कहीं हमने ऐसा देखा नहीं है इतनी उम्र में, जो कि मैं बता दूँ कि यहाँ का पुरकैफ मंजर कैसा होता है, वो हसीन नज़ारा, वो मंजर कैसा होता है। हर मोहल्ले से लोग काफिला बना कर निकलते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफिला बना के निकलते हैं और अपने एक जगह पर आते हैं, वो चौराहे पर आते हैं और नारे तकबीर की सदाओं को बुलंद करते हैं और वहाँ से सारे लोग एक होते हैं। हर मोहल्ले का ये तरीक़ा होता है, दादा टोली, दसवारी मोहल्ला और कई मोहल्ले हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कई मोहल्ले हैं, और उस मोहल्ले से लोग निकल कर एक जगह इकट्ठा होते हैं और नारे तकबीर की सदाएँ बुलंद करते हैं और एक अच्छे तादाद में एक साथ लोग यहाँ पे आते हैं, वो बहुत खूबसूरत हसीन मंजर होता है। न्याजी न्यूज़ न्याजी वीडियो इस मंजर को अगले साल भी ड्रोन के ज़रिए, मैंने उस वीडियो को दिखाया था, इंशाल्लाह रहमान 2023 का भी वीडियो सादिक इमाम न्याजी वीडियो पर आपको दिखाएगा। आपसे गुजारिश है, एक अपील है कि अगर से अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे और जब बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलेंगे ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बाकायदा मिलता रहे। और तादी कमाम नियाजी आपके खिदमत में ऐसा ऐसा हसीन वीडियो दिखाता रहे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।